श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। साडे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब दी आन बान ते शान मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे विच पहुंचे हैं, उन्हां दा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अज दे समागम विच मानयोग मुख्यमंत्री साहब दे नाल विधायक शीतल अंगुराल जी, विधायक रमन अरोड़ा जी, विधायक बलकार सिंह जी ते होर उगियां शख्सियतां साडे विराजमान ने। ओलंपियन सुरेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी पहुंचे ने। नकोदर तो विधायक मैडम इंद्रजीत कौर मान साडे दरम्यान पहुंचे ने। मैडम राजविंदर कौर थियाड़ा जी, सारिआं नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 646वें प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई ते जिला प्रशासन अते समूह संगत वालों जी आयां नूं। साडे विधायक शीतल अंगुराल जी नूं बेनती है कि वह स्टेज ते आके मानयोग मुख मेहमान जी का स्वागत करन। शीतल अंगुराल जी, गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। मैं अपने पंजाब के गरीबों के दलितों के मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का जलंधर वैसे आने उत्ते धन्यवाद करदा, जिन्होंने एक छोटे जे सदे के उत्ते अज गरीबों की बस्ती के आके एक इतिहासिक फैसला किया है। क्योंकि मान साहब अज तक 1947 तो बाद इस गरीबों की धरती के उत्ते कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। इन्ह गरीबों के नाल कभी भी गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा के उन्होंने प्रगट दिवस के उत्ते जेड़े जेड़े लोग आए वह भी वड्डियां वड्डियां सियासतां करन दे लई वड्डे वड्डी जगह पर जाके जिते राजनीति मंच सजदे सी वह लोग उत्थे जांदे सी। अज तुसीं बहुत वड्डा एक उपरला कीता। मेरी छोटी जी बेनती दे उत्ते ये जिहड़े चौंक च तुसीं खड़े हो ये बाबू जगजीवन राम चौंक है, साडी बस्तियां दा जिहड़ा ये सब तो अहम जिहड़ी जगह मन्नी जांदी है। इत्थे छे गुरु रविदास मंदर प्रबंधक कमेटियां जिहड़ियां सामने खड़ियां तुहाडे, ये सारे लोग पिछले 25 दिनां तों प्रभात फेरियां कढ के दिन रात मेहनत करके सतगुरु रविदास महाराज जो प्रगट दिवस मनाने की तैयारियां कर रही हैं। और जो अज भव्य शोभा यात्रा जरा लखों की तादाद के बेगमपुरे का जो दूसरा रूप अब बनया पाया, देखो दुनिया संगत सवेरे 9 बजे तैयार होकर ये गुरपुरब मनाने लिए तैयार बैठी हैं। सिर्फ तो सिर्फ थोड़े तो न प्यार करने देखने लिए कि अब साढ़े पंजाब का दलितों का मुख्यमंत्री गरीबों का मुख्यमंत्री जो रक्षा करता है वह अब गरीबों की बस्तियों के आके अज गुरु रविदास महाराज की जी शोभा यात्रा है और रहनमई करने के लिए आए हैं। मैं अपने हल्के जलंधर वैस्ट वाले तो अखिल भारतीय दलित सेवा समिति वालों, क्योंकि मैं पिछले 6 साल तो इस जगह से मेला करवाना है, अब तुम उस मेले की रहनमई करने के लिए आए हो। मैं अपने हल्के वालों तो जलंधर लोग सभा के 9 हल्कों वालों जिसे साडे MLA बैठे है, जिसे हल्का इंचार्ज बैठे है, उन्होंने वालों थोड़ा धन्यवाद करदा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेंदे हुए एक बार फिर सारी संगत वालों तुहानू जीआं नूं कहना, तौर तो इलावा तुसीं बहुत वड्डे वड्डे गप्पे पंजाब दे लोकां नूं दे रहे हो। तुसीं मेरे नाल गल कीती है कि तुसीं प्रपोजल मैं तुहानू बना के देवांगा, इन्हां मंदिरां दे विच छोटी छोटी जरूरतां हैं, कोई कमुटरी हाल बनने वाला है, किसी ना किसी रूप च लंगर हाल बनने वाला है। जे तुसीं सोचो कि किसी ना किसी दिन कोई अफसरां नूं भेज के जिन्नी कु उन्हां दी रिक्वायरमेंट होवे उन्नी ग्रांट लाट करके साडे जिहड़े छे गुरु रविदास महाराज जी दे जिहड़े बस्तियां दे मंदिर है वह भव्य बनणगे, सुंदर बनणगे तुहाडे आशीर्वाद नाल। इन्ना ही कहिंदा होया मैं जीआं नूं कहिंदा, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद MLA शीतल अंगुराल जी। बेगमपुरा शहर को नाव तू खांदो नहीं तैं उठाओ, गुरु महाराज ने अपनी बाणी दे विच बेगमपुरा की गल की है। सब समता सब बराबर अज के समागम विच
श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला, श्री गुरु रविदास मंदिर बस्ती दानिशमंदा चुंगी नंबर 9, श्री गुरु रविदास मंदिर शास्त्री नगर, श्री गुरु रविदास मंदिर न्यू शास्त्री नगर, श्री गुरु रविदास मुख मंदिर बस्ती गुजा तो ते होर बख बख इलाकों तो भारी गिनती विच संगत शोभा यात्रा लेके पहुंची है। सारयां नू बहुत बहुत जीओ आया प्रोग्राम नू अगे वधाउंदे हुए। हुण मैं गुजारिश करांगा साडे मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी, ओ संगतां नू इस मुकद्दस दिहाड़े ते बधाई संदेश देणगे। अज के इस पवित्र दिहाड़े ते मौजूद सारिया संगतां शोभा यात्रा की शोभा बधाउण लई दूरों दूरों पहुंचे हुए सत्कारयोग बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां छोटे बच्चे, सब तो पहला मेरे वल्लों सारिआं नूं इत्थे जी आइआं नूं तुहाडा चलिआ होइआ कदम एक एक कदम साडे सिर मत्थे और मेरे वल्लों सारिआं नूं नमस्कार सत श्री अकाल जय गुरु रविदास। वीरो मैनू उस वेले बड़ा दुख होंदा है जदों हर जगह ते मैं जाना ते कहा जांदा है कि पहली बार कोई आया है। मैनू दुख होंदा है कि तू पहला वाले क्यों नहीं आए, ना किसी शहीदां दे जन्मदिन ते जां बरसी ते गए, ना किसी गरीबां दे किसी गुरधामां ते गए, ना किसी पीरां फकीरां दी जगह ते गए, ना किते लोकां दी आस्था दे मुताबक संत जां गुरु रविदास वर्गे ओ लोक जिहड़े मानवता दा सुनेहा देणगे ने उहनां दी किसे शोभा यात्रा च आए, फिर रहे किते? इसे करके ओ हुण उत्थे ने जिथे रहिंदे सी, लोकां ने उहनां नूं उत्थे बिठाता। अज 646वां प्रगट दिवस मना रहे हैं श्री गुरु रविदास जी का, जिस वेले वाराणसी की धरती ते यह चन्न चढ़िया सी चानन मुनारा लैके, उस वेले समाज दे विच जात पात ऊंच नीच का बहुत ताना उलझिया होया सी, जकड़िया होया सी समाज। तां श्री गुरु रविदास जी ने दबे कुचले लोगों को अणख नाल और अपने सैल्फ कॉन्फिडेंस नाल जीवन का सुनेहा दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी च जिन्नी भी बाणी श्री गुरु रविदास जी की है वह सारी मानवता का सुनेहा दिंदी है, कोई ढिड भुखा ना रहे इस गल का सुनेहा दिंदी है, सारे एको ही ने इस गल का सुनेहा दिंदी है। हजे वह संगल सारे खुले नहीं, हजे भी बहुत सारा असी जगह जगह तो सुनते हाँ कि ऊंच नीच रखी जाती है, परमात्मा वालों कोई ऊंच नीच नहीं। सो जदों साड़ी सरकार बनी, आम तौर पर सरकार बनने सार सरकारी दफ्तर च फोटो बदल जांदियां ने, पुराने मुख्यमंत्री दी ला के नवे मुख्यमंत्री दी लग जाती है, पर असीं पहले दिन ही ऑर्डर किया भगवंत मान की फोटो नहीं लगेगी। इत्थे शहीद भगत सिंह ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की फोटो लगेगी। एक ने आजादी लैके दिती, एक ने आजादी तो बाद सानू समझ दिती कि सारे बराबर, सारे नू कठिया नू उपर उठना पऊगा, किसे एक नू दब के दूजे नू उपर चक के नहीं कर सकते। अपनी लकीर वड्डी करो, दूजे की लकीर छोटी ना करो। ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੰਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਡੱਠੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੰਨੋ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੱਠੇ।
सो सब नूं बराबर हक मिलना चाहिए। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने सिक्ख्या का नारा दिता एजुकेशन, असी उस सुपने नूं पूरा करन लई लगे हुए हैं। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी सिक्ख्या च क्रांति लैना चाहते हैं देश के दे, पूरे देश के दे, पंजाब ते दिल्ली साडी सरकार है, असी सिक्ख्या दे विच दिल्ली दे विच काया पलट करता पंजाब दे विच शुरू कर लगे। अज सवेरे 9 बजे 36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसीपलों नू एयरपोर्ट वास्ते रवाना करके आए हैं, सिंगापुर तो ट्रेनिंग लेके आएंगे ते अपने गरीबों के बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों कौन पढ़ता है? गरीबों के बच्चे। सरकारी अस्पताल कौन इलाज करवाने जाता है? गरीब जाता है। सो असी सोचा सिक्ख्या ते सेहत ये असी बराबर कर देनी है। कुछ महीनों बाद पंजाब दे विच तुहाडे कोले ऑप्शन होगी कि तुसी बच्चा प्राइवेट स्कूल च पढ़ाउणा है जां सरकारी च पढ़ाउणा है, मर्जी थोड़ी है। पढ़ाई का लेवल इको जिहा है पर उधर फीस लगती है, इधर फीस भी नहीं लगती। जिवें दिल्ली दे विच होया झुग्गी झोपड़ियां दा बच्चा एक रेलवे ब्रिज के थले रेहड़ी ला के प्रेस करने वाले का बच्चा ते एक जज का बच्चा इको बेंच से पढ़न लाते अरविंद केजरीवाल जी ने इको बेंच से बैठ नहीं। पहला की होंदा सी अमीर दी किताबां ही होर ने, सानू किताबां ही नहीं मिलदियां वह जिहड़ियां अफसर पढ़ाउंदियां ने, उन्हां दे स्कूल ही होर ने, सानू स्कूल ही नहीं मिलते वह जिहड़े अफसर पढ़ाउंदे ने, उन्होंने टीचर होर ने, साडे टीचरां कोले भी बहुत सारी पोटेंशियल हैगी है पर मौका ही नहीं मिलता। सो असी हुण साडे टीचरां नूं ट्रेनिंग दवावांगे अज दे पढ़ाई दे लेटेस्ट तरीके नाल। एक गल मैं तुहानूं कह दिंदा, मीडिया सारा जलंधर दा खड़ा है, कोई सरकार वोटा वेले आके कवे असी थोड़ी गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी चो बाहर कढ लेंगे, सब झूठ बोलते हैं। जे गरीबी हटा सकते हैं तो इन्हां दे बच्चे हटा सकते हैं, जे वो पढ़ लिख जान, पढ़ के अफसर बन जान तो गरीबी हटेगी। बड़े माण नाल कहिंदे आ साडे नेता कि असी 80 करोड़ लोगों नू चावल ते आटा ते दाल दिने आ, मान नाल कहिंदे आ। इहदा मतलब तुसीं इह मनदे हो 125-30 करोड़ चों 80 करोड़ दा आटा कमाउण जोगे वी नहीं छड्डे तुसीं। उह सानूं कम दे दो बई, सानूं रोजगार दे दो, सानूं भिखारी ना बनाओ। असीं पंजाब दे नौजवानां नूं, पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां मंगण वाले नहीं, नौकरियां वंडण वाले बनावांगे, नौकरियां वंडण वाले। सो चरण छो प्राप्त धरती है श्री गुरु रविदास जी दी, उन्हां दी बाणी दे विचों जे आपां दो श्लोक भी पढ़ लिए उहदे ते अर्थ करन लग जाइए तां भी कई किताबां लिखियां जाणगियां। एडे वड्डे बंदे सी उह, क्या सोच सी उहनां दी उदों उस वेले, ते क्योंकि उन्हां दी लेव परमात्मा नाल लगी हुई सी इस करके वड्डे वड्डे जिहड़े अपने आप नूं कहाउंदे सी उच्चे जातियां वाले डंडौतां करदे उन्हां दे पैरां दे विच आके टिकदे हुंदे सी डंडौतां करदे। इह लेव लगण दी गल है जी, इह लेव लगण दी गल है। उन्हां लोकां नूं कोई याद नहीं रखदा जिहड़े बैंकां च खाते खुला के तुर जांदे ने, ते उन्हां लोकां नूं कोई बंदा नहीं भुलदा जिहड़े लोकां दे दिलां च खाते खुलांदे ने। श्री गुरु रविदास जी वर्गे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक साहब, इन्हां ने बैंकां च खाते नहीं खुलाए, इन्हां ने दिलां च खाते खुलाए हुए ने। सो अज बड़ा भारी शोभा यात्रा निकल रही है जगह जगह ते पूरी दुनिया च, फगवाड़ा, फलौर, उधर साढ़े संगरूर वाल जिथे भी लोग है शरदा नाल पूजते हैं, पूजना चाहिए। साढ़े गुरु ने बच्चे नूं आने वाली पीढ़ी नूं पता होना चाहिए कि साढ़े गुरुआं ने की लिखिया, असी उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते चलीए। अज समाज जिधर जा रहा है जे रोक सकदे तां साढ़े गुरुआं दीआं जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने उही रोक सकदियां।
आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। भगत सिंह जी की उम्र 23 साल सी, 23 साल की उम्र च बच्चे अजकल दे नौजवान मुंडे अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, बापू मैंने मोटरसाइकिल लेके दे। ते भगत सिंह जी 23 साल की उम्र च अंग्रेजा तो मुल्क मंगते सी, साडा मुल्क दिओ सानू। सो आदमी बड़ा सालों से नहीं ख्यालों से होता है। गुरु नानक साहब ने अज तो लगभग 550 साल पहला, 500 साल पहला लिखता होगा कि पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नु गुरु का दर्जा, पानी नु पिता दर्जा, धरती नु माता का दर्जा। क्या तिने चीजा संभाल लियो? जिस वेले गुरु साहब ने यह बाणी उचरी होगी उस वेले तो कोई फैक्ट्री नहीं करती होनी धूआ, उस वेले तो कोई फैक्ट्री पानी नहीं पाती होनी थले धरती जिहड़ा कैमिकल वाला, उस वेले तो लोग स्प्रेयां भी नहीं करते हो। पर गुरु साहब नूं पता सी कि भाई आ तीन चीजा नूं संभाल लियो तो मनुखता बजूगी, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। सो अज साडी हवा जहरीली होगी, साडा पानी पीण योग नहीं रहा, साडी धरती जहरीली होगी स्प्रेयां कर करके। सो गुरुआं ने बहुत पहला देख लिया सी कि की आने वाला की होने वाला, आपां जे उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते चलीए तां जीवन सफल करन दे विच बहुत मददगार है। आपां इस गल तो बहुत खुशकिस्मत हाँ कि साडे कोले बहुत वड्डे खजाने ने ग्रंथां दे रूप च, वेदां दे रूप च बहुत वड्डे वड्डे खजाने पए आ साडे कोले, शब्द गुरु पए आ साडे कोले। सो अज मैनूं इत्थे आउण दा मौका मिलिया। मैं तां हमेशा, मैं तां जदों कॉलेज वेले वी हुंदा सी, मैं उदों वी जिहड़ियां कविता उचारण मुकाबले वगैरह जांदा हुंदा सी, मैं सब तों वध गोल्ड मैडल जित्ते कविता च। वो कविता जिहड़ी सी संत राम उदासी जी की लिखी हुई सी, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, वो मैं सुनाम कॉलेज वल्लों गाउंदा। सो साडी सरकार दा मकसद भी यही है कि जिहड़े दबे कुचले ने स्कूल नहीं जा सकते, जां जाना नहीं चाहुंदे, जां मजबूरी नहीं जान दिंदी, एक बारी उन्हां नूं स्कूल च लैके आईए। जदों उह स्कूल च आ गए फिर उन्हां दा दिल करूगा पढ़न नूं, ते जदों उह पढ़ गए ते फिर उह सोच बदल जूगी, ते जदों अफसर लग गए तो घरां दे जिहड़ी गरीबी है उहनूं चक देण दे काया पलट कर देणगे। मैं तुहानूं इक बड़ी वधिया गल सुणाउणा, बड़ा किस्सा बहुत वधिया। एक मजदूर सी, खेत मजदूर सी, दिहाड़ी करता सी, कई पीढ़ियां तो दिहाड़ियां चलिया आ रही सी। उन्हें सोचा कई पीढ़ियां तो दिहाड़ियां करी जाने आ, पीढ़ी किवें बदलीए, चलो एक डंग की रोटी घटा दिना, थोड़े जे पैसे बचा लैना, मुंडे नूं पढ़ा लैने आ। बच्चा पढ़ाउण लग गया, वह ढिड बन के गुजारा करन लग गया, आप भुखा तैयार है कि भी बच्चा पढ़ा लिया। बच्चा भी बहुत इंटेलीजेंट सी, बच्चा जज बन गया, मुंडा जज बन गया। बहुत खुशी हुई एक मजदूर का बेटा जिहड़ा जज बन गया। तो जदों उन्हें पहले दिन कुर्सी संभालनी सी तो मजदूर नूं खुशी सी मेरा पोता जो कुर्सी ते बैठूगा, वह भी चला गया। जज साहब जिहड़े सी वह अपने चैंबर च बैठे सी, पिछले दरवाजे तो पिता जी आए तो उन्होंने उहदे मोढ़े ते हथ रख के कहिंदे पुत बहुत बहुत वधाई। कहिंदा बापू जी तुहानूं वी वधाई। कहिंदा पुत हुण इक गल दस, इस वक्त भला दस दुनिया ते सब तों वध खुश, सब तों वध खुश नसीब ते सब तों वध ताकतवर बंदा कौन है? भी वो मुंडा कहिंदा बापू जी मैं हाँ। कहिंदा मैं किसी नूं वी बरी कर सकदा, किसी नूं वी मैं सजा दे सकदा। बापू दा थोड़ा जिहा दिल टुट गया। कहिंदा फिर दस दे, उत्थे खड़े खड़े नहीं पुछिया, इस वक्त सब तो वध खुश, सब तो वध खुश नसीब ते सब तो वध ताकतवर कौन बंदा हो दुनिया च? कहिंदा बापू जी मैं। चलो कहिंदा चंगा जी, बहुत बहुत मुबारकां पुत। जाण लग्गिया गेट ते जाके फिर थोड़ा जिहा प्यो वाला प्यार जाग गया बाप वाला। वह कहिंदा फिर दस दे, सब तो वध खुश, सब तो वध खुश नसीब, सब तो वध ताकतवर कौन है? वह कहिंदा पिता जी तुसी हो। पिता जी वापस आ गए, कहिंदे 15 सेकिंट पहला मैं 2 बारी पुछया सी इत्थे खड़ के कि सब तो वध खुश नसीब, खुश ते ताकतवर कौन है? तू अपना नां लिया सी, मैं उत्थे जाके पुछया, तू मेरा नां लई जांदा। ओ मुंडा कहिंदा
बापू जी जदों तुसी उदों पुछिया सी उदों थोड़ा हाथ मेरे मोढे ते सी। जे तुहाडे वर्गे पिता दा हाथ पुत दे मोढे ते होवे उदों वध खुश नसीब उदों वध ताकतवर बंदा कोई हो नहीं सकता। तो जो तुसी उत्थे जाके पुछिया सी गेट ते उदों तुहाडा हाथ मेरे मोढे ते है नहीं सी उदों फिर तुसी ताकतवर। सो साडे कोले श्री गुरु रविदास जी वर्गे दशमेश पिता वर्गे श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे साडे पिता ने जिन्हों का हाथ साढ़े मोढ़े ते होवे साढ़े तो बाद ताकतवर साढ़े तो बाद खुश नसीब तो साढ़े तो बाद खुश कोई हो ही नहीं सकता जे असीं उन्हां नूं उन्हां दी सिख्यावां दे जांदे। सो बाकी रही गल जिस तरह शीतल अंगराल जी MLA साहब साढ़े नकोदर तो MLA साहिबा खड़े ने साढ़े विमन विंग के प्रधान राजविंदर जी ने साढ़े जलंधर के करतारपुर के MLA साहब खड़े ने सारे सोढ़ी साहब खड़े ने रमन अरोड़ा जी ने इत्थे जो तुसी कहोगे मैं नहीं कहना। देखो मैं उदा की अनाउंसमेंट नहीं करता उन्होंने वर्गी भी हाँ जी इन्ने लिख लो ताड़ियाँ मुड़ के पता ही नहीं लगता कितने गए किन्ने गए तो लभदी ही नहीं उन्ने पैसे उन्होंने लभण भी लग जाते हैं भी कितने गए उदे तुसी कह के आए से भुल जाते हैं। मैं सच बोलदा और सच बोलन का एक ही फायदा है जलंधर वाले कि उन्होंने एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंता जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे नहीं दूजे को याद रखना पैंता यार पिछली बार की कह के गए थे आप। सो असी जिन्हें तुम कहोगे तुम मैं बना के दे दो प्रोजेक्ट कोई लंगर हाल है कोई कम्यूनिटी हाल है कोई कुछ भी कोई खूबसूरती मंदिर की कोई करनी है क्योंकि देखो अपनी श्रद्धा है जे अपनी आस्था ही टुट गई जे आस्था ही ना आप कायम रख सके अपना देश जिहड़ा है वह एक गुलदस्ता है तरह तरह के फुल ने जिहड़ा भी ये चाहूगा कि फुल सिर्फ एक रंग दे होणगे वह गलत फहमी च है ये देश फुलवाड़ी है रंग जिहड़े ने फुलां दे तरह तरह के ने। सो जिवें तुसी कहोगे सानू प्रोजेक्ट बना के दे दो और DC साहब इत्थे खड़े ने और सारे प्रशासन खड़ा है एक रुपया भी जे इधरले पास्यों घट गया तो मैं जिम्मेवार हाँ तो जे एक रुपया लगन वालों घट गया ता प्रशासन जिम्मेवार है और एक मंगोगे सवा देवे क्योंकि पैसा थोड़े टैक्स का ही है असी कोई नोट छापने वाली मशीन नहीं लाइया हुई तुसी टैक्स देने हो तुसी टैक्स देने हो ता साडे कोल पैसा आता है। बहुत सारे खड़े होणगे हुण इस वक्त कहिंदे भगवंत माने की कही असी कदों टैक्स देने असीं तां गरीब हाँ असी तां टैक्स देंदे ही नहीं असीं तां टैक्स पेयर च आउंदे ही नहीं दिने टैक्स। मैं दसदा तुम जो सवेरे उठते हैं चाह बनानी है तीली जी जलाई टैक्स शुरू क्योंकि जो तील माचिस खरीद जाओगे ना कुछ टैक्स लगता है जे गैस सिलेंडर है लाइटर की अग जलाई सो लाइटर की सुच दबी टैक्स शुरू उस तो बाद चाह धरी है चाह पत्ती पाई टैक्स उस खंड पाई टैक्स उस दुध पाया टैक्स उस तो बाद फोन किया किसी रिश्तेदार मैं आना तेरे को टैक्स उस तो बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट किया पेट्रोल डीजल टैक्स उस तो बाद सब्जी लिया आते हुए टैक्स रोटी खाधी तो दुध पी लिया टैक्स तो लो जी रात को सौन वेले पखे थले पै के थोड़ा जहां शुक्र है हूँ टैक्स नहीं है ना गलत फहमी च उपर पखा चली जाता है टैक्स तुसीं तां सुते पए भी टैक्स दे जाने हो और तुसीं सुते पए भी टैक्स दे जाने हो ते जिहड़े पैसे ने ओह सरकार कोले आउणे चाहीदे ने ते सरकारां कह दिंदियां ने खजाना खाली हो गया ना कोई सड़क बनाई ना कोई हस्पताल बनाया ना कोई कॉलेज बनाया ना कोई स्कूल बनाया ना किसे नूं नौकरी दित्ती खजाने पता नहीं किवें खाली हो गए उही खजाने साडे कोले ने असीं भी चला ही रहे हां ना बिजली दा बिल जीरो आ गया ना बिजली दे बिल जीरो आ गए है जी वादा कीता सी वादा कीता सी मोहल्ला क्लीनिक मंदिर दे विच मोहल्ला क्लीनिक खोल गए साडे कोले 10.5 लाख बंदे 100 महल्ला क्लीनिक चलाए ने हजे हुण 500 हो गए 10.5 लाख बंदा दवाई लैके ठीक हो गया उतों नहीं तो उन्हां नूं सरकारी हस्पतालां जां प्राइवेट च रोड़ना पैणा सी। सो इस करके साडा मकसद है आम लोगों तक तुसी घरों निकलो तुहाडे सज्जे पासे जां खब्बे पासे 50 जां 100 मीटर ते मोहल्ला क्लीनिक होवे ते इक शानदार स्कूल होवे जिथे तुहाडे बच्चे पढ़दे होण इह है साडी सोच। सो मैं अज दे इस पवित्र दिहाड़े ते बहुत बहुत तुहानूं मुबारक दिंदा
बहुत सारिया संगत वाराणसी भी गई हुई मत्था टेकन बहुत पूरी दुनिया तो उत्थे लोग आते हैं। सो श्री गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाश प्रगट दिवस से प्रकाश दिवस से बहुत बहुत मुबारक ने तुहाडे जो इच्छावां तुसीं लै के शोभा यात्रा च आए हो जो जिस निष्ठा नाल जिस श्रद्धा नाल तुसीं प्रभात फेरियां कढ के लोगों नूं अवेयर किया उहदी कोई किसी करंसी च वैल्यू नहीं उहदी कोई कीमत नहीं किसी करंसी च सुकून मिलता है। सो सुकून का जिहड़ा कीमत है वह पाई नहीं जा सकती। सो मैं आखिर दे विच यही कहूँगा कि मां धरती है तेरी गोद नूं चन्न होर बथेरे तू मगदा रही बे सूरजा कमियां दे वेड़े जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं नक वगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े तू मगदा रही बे सूरजा कमियां दे वेड़े। सो मेरे वल्लों यही अरदास है कि सूरज जिहड़ा तरक्की दा वह कमियां दे वेड़े मगदा रहे सूरज जिहड़ा तरक्की दा वह सारियां किरणां जिहड़ियां तंदरुस्ती वालियां वो सारे पंजाब दे वेड़िया च जिहड़ी है वह किरणा फैलन। मेरे वालों यही उम्मीद है कि आ साल जिहड़ा आपां पंजाब नूं चमकावांगे क्योंकि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा ते नग थोड़ा जिहा पिछले कई सालों तो फिक्का जिहा पै गया सी उस नग नूं हुण आपां चमकाउणा है उहदे वास्ते मैनूं तुहाडे सहयोग की लोड़ पऊगी। कोई भी चीज़ कोई बंदा कल्ला नहीं कर सकता तुसीं मेरे नाल आओ मैं यह नहीं कहिंदा मेरे पिछे लगो मेरे बराबर आओ आपां सारे मिल के पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाईए कैलीफोर्निया लंडन पैरिस बनाउण दी लोड़ नहीं सानूं साडा पंजाब ही वोट दिओ असीं पंजाब बना लईए। बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत तुहाडा मेहरबानी इत्थे तुसीं इन्ने टाइम तो खड़े हो। शोभा यात्रा हुण शुरू होगी सारे ट्रैक्टर वाले जिन्ने भी वीर ने 150 ट्रालियां कहिंदे ओह खड़े ने ते सारयां नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत मुबारकबाद है और सारे जिमें भी तुसीं कहोगे जिन्ना भी तुसीं जिहड़ी पता की है मंदिर कमेटी सर इन्हां तुसीं सानूं बना के दिओ जी लिस्ट साडे वाला काम यह होंदा जी साडा तां जिद्दे जिद्दे लिस्ट आ गई उद्दे तुहानूं पैसे दे देंगे और नाल दी नाल तुसीं जे चंडीगढ़ आए तुहाडे जलंधर आउण तों पहलां पैसे अकाउंट च पए होणगे क्योंकि साडा काम यह है असीं जो कहने आं उह करदे आं जो कर नहीं सकदे असीं कहिंदे ही नहीं हैगे फायदा की होया फिर पंज काम कह के चार किते तो लोग कहेंगे पूरे नहीं किते पहले ही चार कह लो जे कर सकते हो तो लोग कहेंगे 100% भी चार कह के पंज कर देंगे। हुण बहुत सारे काम यहोजे भी ने जिहड़ियां गरंटियां सी दित्तियां नहीं सी MLA दीआं पेंशनां कटाउण दी कट्टण दी गरंटी तां दित्ती सी पर पाउण साल उह काम करता ते आ जिहड़े रिश्वतखोर ने जिन्हां ने लुट्टण दा मन बना रखा गरीबां नूं गरीब ही लुट्टी जांदे आ आ मंत्री जिहड़े ने उन्होंने लुट्टे ही आपदे है चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की ने लुट्टे है थोड़े अपने बरादरी ने अपनी बरादरी नूं कौन अपने आपां नूं लुट्टी जांदे है दुख इस गल दा हो रहा है। सोने ते लोहे दी दुकान आमो सामने सी बाजार च सोने ने लोहे नूं कहा थोड़ा तेरे ते भी चलता है थोड़ा मेरे ते भी चलता है मेरी आवाज सुनी है कदे दुकान तो बाहर कहिंदा तेरी सारे बाजार च आवाज सुनदी हुंदी जे तेरे थोड़ा बजदा है तां लोहा कहिंदा बिल्कुल सही गल है तेरी मेरे वीर सोनिया थोड़ा तेरे ते भी लोहे का चलता है थोड़ा मेरे ते भी चलता है तेरी आवाज नहीं आती मेरी आवाज आती है क्योंकि लोहे का थोड़ा तेरे लिए बगाना है तू सोना वह लोहा है शरीक है शरीकों ने तो कुटना ही होंगे शरीकों का काम होर की होंगे बगाना तो कुटना ही होंगे तो कहना मैनू दुख इस गल का मैनू मेरे अपने कुटते हैं इस करके मैं ज्यादा दर्द होंगे सानू ज्यादा दुख इस गल का सानू साढ़े अपन ने लुटिया अंग्रेज नहीं लुटे अंग्रेज तो आप शर्माते हो गए भी 200 साल चुना काम नहीं कर सके जिन्हें इंडिया वाले 200 साल कर देंगे ने 2 साल लुट लेंगे ये सारी पंजाब च रिश्वतखोरी ये लुट कसुट सारी बंद होगी आम लोगों की खज्जल खुआरी बंद होगी दफ्तर चुनू मान सम्मान मिलेगा इज्जत मिलेगी और थोड़े काम होंगे और पहले बोलते काम हो गए यही साड़ी सरकार का मकसद भी है और नहीं तो सरकार बनाने की है शोर तो मैं तो पहले ही मशहूर सी बहुत मैंने कहना किसी TV आने का चा या कोई किसी अखबार से फोटो छपाने का चा है वह तो मैं नबेड़ी बैठा पर परमात्मा ने मेरी एक ड्यूटी लाई है कि भाई सेवा करो पंजाब की तो मैं वो सेवा निभाऊंगा। मैं यही अरदास करदा श्री गुरु रविदास जी अगे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे कि बल बख्शे और बुद्धि बख्शे और इन्ना बल बख्शे कि चंगे फैसले करिए और कोई गलत फैल तो सहन ना हो जा इस गल की बुद्धि बख्शी बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी जय गुरुदेव बहुत 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 धन्यवाद मानयोग मुख्यमंत्री साहब।
मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब खुशहाली तरक्की विद्या सेहत के खेत्र में किए जा रहे लामिसाल कामों की गल की है। हुण विधायक शीतल अमराल होर शख्सियत मानयोग मुख्यमंत्री जी का जिन्हों सन्मान चिन्ह भेंट करे। उस तो कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री साहब शोभा यात्रा को रवाना करने अगे बढ़ने बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। सत्कारयोग मुख्यमंत्री साहब, गुरु महाराज जी के चरणों के नतमस्तक होंदे हुए उन्हां दे नाल जलंधर वैस्ट विधायक शीतल अंगुराल जी, विधायक रमन अरोड़ा जी, विधायक करतारपुर तो बलकार सिंह जी, सोढ़ी साहब, मैडम राजविंदर कौर थियाड़ा जी, उन्हां दे नाल मैडम नकोदर तो MLA मैडम मान जी, मैं हुण मुख्यमंत्री साहब सारिया ही प्रबंधक कमेटियां श्री गुरु रविदास महाराज जी दियां कटरा मोहल्ला मंदिर बस्ती 9 बस्ती गुजा शास्त्री नगर न्यू शास्त्री नगर के सारे ही आगुआ दे सन्मानित करते हुए और सारे ही आगू साहबान मुख्यमंत्री साहब का सम्मान करते हुए चुंगी नंबर 9 तो अजय कुमार जी लुभाया जी, राम लुभाया जी, उन्हां दे नाल सारे ही साडे सत्कारयोग सतीश साईं जी भी पहुंचे हैं शोभा यात्रा नूं नाल लैके, उन्हां दा भी इत्थे आउण ते हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। MLA साहब, मुख्यमंत्री साहब फीता कट के शोभा यात्रा नूं रवानगी दे रहे हैं, कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ अपने महबूब नेता पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का इत्थे आन। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। नारियल तोड़ के शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री साहब वालों, सारियां दा इत्थे आन ते सारी समूची टीम का इत्थे आन ते सारियां दा सारे वालों हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद सारे वालों। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आरंभ हो गया है शोभा यात्रा नूं चलन दा, ते शोभा यात्रा नाल तोरी जावे हुण शुरू कर दिता जावे। शोभा यात्रा अपने रूट ते तोरी जावे। मैं बेनती करता वा कि जिहड़ा बैरियर लगाया गया इहनू प्लीज जिहड़ा पिछे करन दी कृपालता कीती जावे और शोभा यात्रा दे लई जिहड़ा रस्ता बनाया जावे, क्योंकि जिहड़ी अज दी शोभा यात्रा साडे समाज दे लई एक बहुत वड्डी जिहड़ी है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बार इस शोभा यात्रा दा शुभारंभ पंजाब दे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी वालों किया गया है। सारी ही संगत का इतने पहुंचने बहुत बहुत धन्यवाद है सारिया मंदिर कमेटियां, और मैं बेनती करता सारे मंदिर प्रबंधक कमेटियां के प्रधान और सेवादारा कि शोभा यात्रा जी है वह पहले भी वाग जो